नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपावली अवकाश के बाद आज आपका पुनः स्वागत है। हम आज आपकी इस नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट की जो टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर इश्यू, ये कंपनी अकाउंट से संबंधित टॉपिक हैं और ये वैसे आपके पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपन इनको थोड़ा एक बार रिफ्रेश करेंगे जिससे आपको वो सब बातें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, फॉरफीचर रीइश्यू के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ये सब कुछ बातें हैं वो अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे उनका। तो अपन स्टार्ट करते हैं पुणे बीकॉम पार्ट फर्स्ट लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो ये देखिए, आप हम शुरू करते हैं अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन, ये हमारा टॉपिक है। तो एक बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई कंपनी संगठन होता है, जैसे व्यावसायिक संगठन के कई रूप होते हैं, एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी फर्म होती है, कंपनी होता है, ये एक किसी भी व्यावसायिक संगठन जो है उसके स्वरूप होते हैं। हम यहाँ पर जब कंपनी के स्वरूप की बात करते हैं, जैसे एकाकी व्यापारी होता है तो उसमें व्यापारी खुद पूंजी लगाता है, साझेदारी संगठन में पार्टनर्स लगाते हैं, और एक कंपनी के संगठन के अंदर जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो कंपनी में पूंजी लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कंपनी की जो पूंजी होती है एक्चुअल में वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, और वो उसका जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको पूंजी का अंश कहते हैं, यानी कई प्रकार कई अंश मिलकर के एक पूंजी का निर्माण करते हैं। और जो अंशों का जो जितने अंशों का धारक व्यक्ति होता है उसको हम अंशधारी के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूंजी होती है वो कई अंशों में विभक्त होती है, और उस प्रत्येक अंश जो अंश का धारक होता है उसको हम अंशधारी कहते हैं, जिसके पास पूंजी का वो अनुपातिक भाग होता है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपये की पूंजी हुई और उसमें से किसी के पास 10,000 रुपये की पूंजी का शेयर है, इसका मतलब उस पूंजी के अंदर वो 10,000 रुपये के हिस्से तक का मालिक है, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होंगे गेंस होंगे उसका वो है 10,000 का जो पार्ट होगा वो उस पार्ट का वो हकदार हो जाएगा। तो ये जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो पूंजी के आनुपातिक भाग के स्वामी होते हैं, इसलिए वो कंपनी के स्वामी भी माने जाते हैं। उनको कंपनी की कोई भी मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है, उनको वोटिंग करने का अधिकार होता है, क्योंकि वो कंपनी के जो पूंजी होती है उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है, इसलिए वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो अब दूसरी बात ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम अब तक ये पढ़ते रहे थे कि कंपनी अधिनियम 1956, लेकिन उस 1956 के कंपनी अधिनियम की जगह अब कंपनी अधिनियम 2013 आ गया। तो जितने भी प्रोविजंस होंगे वो जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होंगे। अब कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली जो कंपनी होती है वो दो प्रकार के अंश जारी करती है। एक तो पूर्वाधिकार अंश होते हैं और एक जिनको अधिमान अंश भी बोलते हैं यानी प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स यानी समतांश पूंजी समतांश। तो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं और समतांशों में जो थोड़ा फर्क होता है वो आपको समझने की बात है। यहाँ पर पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी के लाभों में से और अगर कंपनी अगर समाप्त होने जा रही है तो पूंजी में से या जो कंपनी की जो संपत्तियां होती हैं उनमें से जो बची हुई संपत्तियां उनमें से समतांशों की तुलना में पहले उनको प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी जैसे लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो पहले पूर्वाधिकार को मिलेगा, समता को बाद में मिलेगा। यदि कंपनी का स्थापन हो रहा है और संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती हैं तो पहले उनका अधिकार रहता है वो पूर्वाधिकार का होता है, उसके बाद समता का होता है। लेकिन दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये होती है
कि वास्तविक स्वामी कंपनी के समताजदारी माने जाते हैं और समताजदारियों को कंपनी के किसी भी सभा में वोटिंग का राइट्स होते हैं क्योंकि वही कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं, इसलिए उनको वोटिंग का अधिकार होता है। अब हम ये उस पर आते हैं कि जो कुछ पूर्व अधिकार अंश होते हैं उनके कुछ कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे शुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश है, संचयी है, असंचयी है, जो पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नहीं अवशिष्ट भागी, अनावशिष्ट भागी, तो ये इस तरीके के जो परिवर्तनशील यानी जिनको कन्वर्टिबल बोलते हैं, जो कि शेयर में समतांश पूंजी में समतांशों में कन्वर्ट हो जाते हैं एक समय के बाद में, और नॉन कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर्स की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, हमें उन कैटेगरीज में ज़्यादा गहराई में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें वहाँ अपने को डीपली जाने की जरूरत होती है। यहाँ पर चूंकि अपने को केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से अपने रिलेशन रखते हैं इसलिए अपन आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। तो ये अब हमें सबसे पहले समझना, चूंकि इश्यू ऑफ शेयर्स की बात है तो हमें अंश निर्गमन की प्रक्रिया को समझना जरूरी होता है। अंश निर्गमन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है उसके बारे में यहाँ पर अंश निर्गमन की प्रक्रिया अपने को समझनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसकी प्रक्रिया अपनी यहाँ नहीं समझ रही, हम यहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो प्रक्रिया होती है, जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है उसकी जो है वो निर्गमन प्रक्रिया होती है अंशों की, वो अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक तो जो कंपनी एक्ट 2013 आ गया, दूसरी ओर सेबी के निर्देश आ गए। सेबी स्टॉक एक्सचेंज जो बोर्ड ऑफ इंडिया होती है वो चूंकि उसकी वो भी एक रेगुलेटर के रूप में काम करती है किसी भी कंपनी के ऊपर, उस क्यों, इसका कारण ये होता है कि जो कंपनी होती है उनके जो अंश पूंजी होती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एनलिस्टेड होते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर उन शेयरों का खरीद और बेच चलती रहती है। और ऐसी स्थिति में जो उसको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है वो कौन होती है, सेबी होती है। इसलिए वो जो कंट्रोलिंग जो रेगुलेटर बॉडी होती है, रेगुलेटिंग जो बॉडी होती है उसके जो भी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस होते हैं, अदरवाइज वो क्या होता है, अदरवाइज तो कंपनियां बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएंगी, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए सेबी है समय समय पर उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू करती है, कुछ नियम दिशा निर्देश लागू करती है, उनका पालन तो उनको करना ही पड़ता है और साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के जो है वो भी अनुपालन करनी पड़ती है। तो इसकी प्रक्रिया जो होती है अंश निर्गमन की, उसके अंदर सबसे पहला काम होता है कि उसको प्रोस्पेक्टस जारी करना, यानी प्रविवरण का निर्गमन करना, यानी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से निमंत्रण पत्र होता है, एक कंपनी के द्वारा पब्लिक में ये एक निमंत्रण दिया जाता है कि हम एक लिमिटेड कंपनी हैं, हमारा ये हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री है, ये हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे ये प्लान है फ्यूचर, और हम ये इतनी मात्रा में हमें को पूंजी की आवश्यकता है, हमारी ये प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए हमें धन चाहिए, और इसलिए हम पब्लिक से ये दरख्वास्त करते हैं या पब्लिक से ये प्रार्थना करते हैं या उनको निमंत्रण देते हैं कि वो अपने हमारी कंपनी में धन लगाएं या हमारी कंपनी की पूंजी के हिस्सेदार बने वो। तो ये एक तरह से निमंत्रण होता है जिसको हम प्रविवरण कहते हैं। अब इस प्रविरण के अंतर्गत ये तो निश्चित ही बात है कि जब कंपनी जब पैसा लगाने के लिए कहेगी, जनता को निमंत्रण करेगी तो पैसा लगाने के लिए कहेगी तो कंपनी अपनी पूरी हिस्ट्री और अपनी फ्यूचर प्लान्स को जरूर शो करेगी, साथ ही वो उस प्रोस्पेक्टस में ये भी बताती है कि हमारी जो पूंजी होगी वो कितनी, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होगी, उसकी जो फेस वैल्यू होगी अंशों की वो कितनी होगी, आपको एप्लीकेशन पर या आवंटन पर या अलग अलग किस्तों में उसको कितना पैसा पेमेंट करना है, वो इस तरीके से अपनी थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जारी करती है। और सबसे पहले जब एप्लीकेशन मांगती है तब उसमें तो वो जरूर बताएगी कि आपको एप्लीकेशन पर इतने रुपए पर एप्लीकेशन के हिसाब से भेजने। तो ये सब बातें जो होती हैं वो प्रविवरण के अंतर्गत होती हैं। पूरी आवेदन की जो प्रक्रिया होती है उसका उसके अंदर विवरण होता है, और जो भी व्यक्ति उस प्रविरण के आधार पर धन लगाना चाहता है वो उस आवेदन पत्र को भरता है और कंपनी के पास, कंपनी का जो बैंक होता है, जो कंपनी का जो अधिसूचित बैंक होता है उसके ऊपर उसमें वो एप्लीकेशन भेजता है। ठीक है, राइट। और अब ये पहला काम जो होता है वो अपने एक तरह से कहा कि ये कंपनी के द्वारा किया गया जिसमें उसने प्रविरण जारी किया। दूसरा काम है आवेदन राशि प्राप्त करना। तो अब ये कंपनी तो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मैंने जब उसने आवेदन के लिए उसने निमंत्रण दिया
तो फिर पब्लिक से जो भी जिन लोगों ने भी इंटरेस्टेड पार्टी जो व्यक्ति हैं उन्होंने कंपनी में धन लगाने के लिए वो उन्होंने आवेदन पत्र भरा और उस आवेदन पत्र के साथ उसने चेक या जो ड्राफ्ट या ऑनलाइन जैसा भी पेमेंट की सुविधा होती है उन्होंने कंपनी के जो निर्धारित बैंक है जिसमें कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया उस बैंक को कि इस बैंक में आप भेजिए, उस बैंक में वो एप्लीकेशन और वो चेक या ड्राफ्ट डी या जो ऑनलाइन जैसा भी पेमेंट का सिस्टम है वो भेज दिया जाता है और वो जो आवेदन पत्र होते हैं वो कंपनी का बैंक प्राप्त करता है और उनको आवेदन को एक शेयर एप्लीकेशन एक अकाउंट में उसमें क्रेडिट मतलब डाल देता है, उनको जमा कर देता है उनका पैसा जो है शेयर एप्लीकेशन में और उसके बाद में एक दो दिन से या समय समय पर बीच बीच के टाइम के अंदर वो जितने भी एप्लीकेशन आए हुए हैं उन एप्लीकेशन को पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को और वो कंपनी के पास भेजता रहता है। कंपनी उन सभी एप्लीकेशंस की जांच करती है ना, जो उनकी सूची भेजती है कि भाई इतनी इतनी एप्लीकेशन आ गई हैं और उनके आवेदन पत्र भी उनके साथ भेज दिए जाते हैं। फिर कंपनी जो होती है उनकी उनकी जांच करती है और जांच करने के बाद में क्या करेगी कंपनी, उन सभी एप्लीकेशन जब उसका उसका जो इश्यू जब निकालती है वो जब प्रवीण का तो डेट देगी कि आप इतनी डेट तक उसका है वो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो डेट जब निकल जाएगी तो वो बंद हो जाएगा इश्यू और उसके बाद में सारी एप्लीकेशन बीच बीच में भी पहुंच जाती है कंपनी के पास, फिर एंड में तो जितनी बची हुई होती है बैंक सारी की सारी एप्लीकेशन की सूची सहित वो कंपनी के पास भेज देती है। कंपनी के डायरेक्टर्स वहां पर उनकी जांच करते हैं और उस जांच करने के बाद में ये पता लगा लेते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन सारी एप्लीकेशंस को पहले वो उसको जचा के रखते हैं कि हर अल्फाबेट के अनुसार कि ए से शुरू होने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी एप्लीकेशन कितनी है, तो सारों के सब की अल्फाबेटिकली जचा लेते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि ये उसकी जांच करने के बाद अल्फाबेटिकली फिर वो उसके बाद में उनकी सूचियां बनाते हैं जिनको अपन एक तरह से अपन क्या कहते हैं बंटन सूचियां कहते हैं। और फिर एक और होता है कि किस व्यक्ति के ने है वो कितने आवेदन किए हैं अंशों के लिए, जैसे मिस्टर अभय कुमार है ए से शुरू होता है तो अभय कुमार ने कितनी जो है वो अंशों के लिए आवेदन किया है, उन आवेदित अंशों की संख्या उसके सामने होती है। ये इस तरीके से जो है वो पहले तो सूची बनाते हैं अल्फाबेटिकली, उसके बाद में क्या करते हैं वो अंशों के आवेदित अंशों की संख्या के अनुसार वो सूचियां बना लेते हैं, जैसे 100 एप्लीकेशन के कितनी व्यक्ति हैं, 200 अंशों के लिए आई हुई एप्लीकेशन कितने व्यक्तियों की हैं, इस तरीके से अलग अलग जो है वो आवेदन के हिसाब से जो है वो श्रेणियां बांट लेते हैं। तो अलग अलग श्रेणी के आवेदन जो होते हैं वो इसके बाद में ये पता लग जाता है कि भी वो कि कितने कितने प्रकार के अंशों के लिए कितनी एप्लीकेशंस टोटल आई हैं, तो उसके आधार पर वो बंटन एक बंटन पुस्तिका होती है उसके अंदर वो जो है वो एक मतलब वो बंटन सूचियां बनती हैं और इस इन सूचियों के बाद में एक ऐसी स्थिति होती है कि सारा सूची लास्ट में एक समरी बनाई जाती है अंशों की संख्या के अनुसार और वो समरी जो होती है वही वास्तव में आधार होती है अंशों के बंटन करने के लिए और फिर उसके बाद में आगे बंटन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो आवेदन राशि प्राप्त हुई वो एप्लीकेशन अकाउंट में बैंक ने एप्लीकेशन में जमा किया, उसको फिर समय समय पर उसकी सूची सहित सारे आवेदन पत्र कंपनी के पास भेज दिए, कंपनी उनको अल्फाबेटिकली जचाती है, फिर उनको उसके बाद में उनके अंशों के वर्गों के अनुसार उनके अंशों की बंटन सूचियां बनाती है जिसको बंटन पुस्तक भी कहते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में जो है वो एक सारा सूची तैयार करती है जिसके आधार पर वो बंटन की कार्रवाई प्रारंभ करती है। तो ये कार्रवाई जो होती है वो आवेदन राशि प्राप्त होने की। तीसरा जो है अंशों का बंटन यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की कार्रवाई जो महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, जैसे मैंने बताया कि बंटन की कार्रवाई करने के लिए जो होती है वो सेबी के दिशा निर्देश तो हमेशा काम में लिए ही जाएंगे और उनकी जो बंटन की कार्रवाई होती है वो एक्चुअल में संचालक मंडल के द्वारा जो है वो ये कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि इसके लिए जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 39 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के इंस्पेक्टर को वैधानिक प्रतिबंध लगाए हुए
उन वैधानिक प्रतिबंधों को अपने को ध्यान में देने की जरूरत होती है कि भाई आपको बंटन की कार्रवाई तो करनी है, यानी जो जिन्होंने एप्लीकेशन मांगी उनको तो शेयर्स देने हैं, लेकिन उसके पहले इन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में देने के बाद ही उसकी बंटन की कार्रवाई पूरी होगी। सीधा सीधा पहला रेस्ट्रिक्शंस तो ये है कि जितने मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए तो उसका नियम क्या है कि 90% यानी 90 लाख रुपए के आवेदन आ जाने चाहिए, एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यू प्राइस के जो आवेदन जो हैं वो कंपनी को प्राप्त हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी कंपनी बंटन की कार्रवाई नहीं कर सकती और उसे 15 दिन के भीतर उसका जो पैसा है वो वापस, उसकी एक राशि जमा रहती है उसे एक अलग बैंक खाते में जमा रहती है और वहां से वो जो है उनके रिफंड भेज दिए जाते हैं सबके सब, यानी पैसा वापस लौटा दिया जाता है। ये जरूरी होता है, इसलिए 90% वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम न्यूनतम अवधान राशि की गणना करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा वाला जो प्रतिफल है वही महत्वपूर्ण इसके अंदर होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई क्रेडिटर है या कोई, मतलब जब इश्यू किया जा रहा है तो जो कंपनी का क्रेडिटर है वो कुछ देता है तो उसको जो पेमेंट है वो अंश के रूप में दे दिया जाए, वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसमें जो प्रतिफल के रूप में, जो मुद्रा के प्रतिफल के रूप में जो जारी किए जाते हैं वही एक्चुअल में निर्गमन वाली बात होती है, उसका वो माना जाता है, उसका पार्ट माना जाता है न्यूनतम अवधान राशि के लिए। यदि भी निर्गमन कर सकते हो, किसी को बिजनेस खरीदा अगर कंपनी ने और उसके बदले उसने शेयर जारी किए, बिल्कुल कर सकती है वो, किसी क्रेडिटर को भी शेयर जारी कर सकती है, लेकिन न्यूनतम अवधान राशि की कंडीशन के लिए इस तरीके का जो शेयर आवंटित होते हैं उनको उसमें काउंट नहीं किया जाता है। न्यूनतम अवधान राशि के लिए तो वास्तव में जनता से जो पब्लिक से जो प्राप्त होते हैं कैश के रूप में, मुद्रा के रूप में, वही मान्य होता है। और तीसरी बात इसके अंतर्गत ये होती है कि प्रत्येक अंश के आवेदन पत्र पर देय रकम अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होगी, अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होगी, लेकिन सेबी ने दूसरी बात एक और कही है कि इश्यू प्राइस के 25% से कम नहीं होगी, यानी ये सीमा जो है वो 25% निर्धारित की गई सेबी के अनुसार, निर्गमन मूल्य का 25%। तो यहां पर सेबी वाली बात है वो बीच में आ जाती है तो उसको भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर बताए गए हैं, इसके अलावा ये कहता है कि जो अंशों के जो आवेदक होते हैं उनका जो उन्होंने जो धन जो पैसा भेजा था वो एक बिल्कुल बैंक के खाते में अलग से जमा पड़ा रहता है, वो मतलब उसको ऐसा नहीं है कि कंपनी उसको आया और कंपनी निकाल के ले गई, बिल्कुल कंपनी नहीं निकाल सकती जब तक कि सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, बंटन संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, कंपनी उसको निकाल नहीं सकती। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक खाते में वो जमा रहेगा जब तक कि न्यूनतम अवधान राशि उसके बराबर अंकित मूल्य की राशि प्राप्त नहीं हो जाए, और उसके बाद में फिर वो बंटन की जब कार्रवाई होगी तब उसको उस पैसे का उसमें ट्रांसफर कर सकती है। अदरवाइज ये न्यूनतम अवधान राशि पूरी नहीं हो रही है तब तो पैसा वापस लौटा नहीं है, तो बात ही अलग है। सेबी की दिशा के अनुसार कंपनी 30 दिन के निर्गमन खुला रख सकती है, यानी 30 दिन तक उनको जो है वो कभी एप्लीकेशन आ जाए अगर कम आई होती है, यदि 30 दिन के भीतर न्यूनतम राशि का यानी 90% नहीं प्राप्त होता है तो आवेदन संपूर्ण आवेदन राशि होती है अगले 15 दिन के भीतर उनको वापस लौटा दी जाती है, यानी रिफंड जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई न्यूनतम अवधान की राशि के बारे में, यानी 90% वाली कंडीशन हुई। फिर मुद्रा के लाने के प्रतिफल को न्यूनतम अवधान के लिए मान्य नहीं करेंगे, न्यूनतम राशि जब तक प्राप्त नहीं होती अलग बैंक खाते में पैसा जमा रहेगा, और न्यूनतम अवधान राशि को है वो 30 दिन के लिए ये न्यूनतम अवधान के लिए खुला रख सकते हैं, 30 दिन में यदि प्राप्त नहीं होता तो अगले 15 दिन के अंदर उसको वापस लौटा दिया जाता है। मान लीजिए अधीय विधान की स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, यदि अधीय विधान और सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जितने के लिए पूंजी के लिए आवेदन मांगे गए उससे ज्यादा के आवेदन आ जाते हैं तो इसको हम और सब्सक्रिप्शन यानी अधीय विधान कहते हैं, और अधीय विधान की स्थिति में यानी प्रस्तावित अंशों से अधिक के लिए जब आवेदन आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी कार्रवाई होती है वो एक्चुअल में कौन करता है, ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई है वो करेंगे कौन, डायरेक्टर्स। तो वो डायरेक्टर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं, वो क्या करते हैं एक कमिटी बनाते हैं, और वो कमिटी जो होती है वो बंटन का फॉर्मूला तय करती है कि साथ ही सेबी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वो बंटन जो समिति होती है वो बंटन का एक फॉर्मूला तय करती है कि भी कितने अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किए हैं उनको कितना दिया जाए, कितनों को पूरी राशि वापस लौटा दी जाए, कितनों को जितने मांगे उतने पूरे दे दिए जाएं। तो कई तरीके की कैटेगरी हो सकती हैं,
कि कुछ ऐसे आवेदक हो सकते हैं जिनको जितने मांगे उतने दे दो, कुछ को प्रो रटा दे दो, यानी इसको यथानुपात बोलते हैं कि भाई 5 एप्लीकेशन जो है 500 के लिए जिन्हें एप्लीकेशन भेजिए उसको 3 दे दो या 2 दे दो, तो इस तरीके से उनको यथानुपात बंटन कहते हैं। तो ये स्थिति हो सकती है। तो ऐसे अपन कुल मिलाकर के बात ये आती है कि अलग अलग स्थितियों के अनुसार वो जो है वो कौन तय करता है इसको, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं और वो एक समिति बना करके और सब्सक्रिप्शन का फैसला भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब चाहे 90% आए चाहे और सब्सक्रिप्शन आए, और सब्सक्रिप्शन में समिति बना करके बंटन का फॉर्मूला तय कर देते हैं। फिर बंटन की जब कार्रवाई होती है तो बंटन सूचियां बनती है, और फिर बंटन सूचियां जब बनती हैं उनके आधार पर बंटन पत्र तैयार होते हैं। बंटन सूचियों के प्रत्येक पेज के ऊपर डायरेक्टर जो होते हैं, वो जो मुख्य डायरेक्टर होता है कोई भी से उसका डायरेक्टर्स का अध्यक्ष जो होता है संचालन मंडल का अध्यक्ष, वो उसके ऊपर अपने साइन करता है प्रत्येक पन्ने के ऊपर बंटन सूची के। और इसके बाद में जो सचिव होता है वो बंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर तैयार करता है, और साथ ही जिनको इश्यू नहीं किए गए जा रहे हैं शेयर, उनका पैसा वापस लौटाया जा रहा है, तो उनके लिए खेद पत्र तैयार करता है। एक तो बंटन पत्र तैयार करना और खेद पत्र तैयार करना कि भाई ये सॉरी आपको शेयर आवंटित नहीं किए जा सके हैं, तो उनके शेयर वापस लौटाने के लिए उनके पैसा जो होता है वो वापस लौटाने के लिए उनको रिफंड जारी कर दिया जाता है, यानी पैसा वापस लौटाने का लेटर खेद पत्र के साथ वापस लौटा दिया जाता है। और इसके साथ ही एक कार्रवाई और की जाती है बंटन के साथ ही, कि मान लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई के जैसे 100 रुपये वाला शेयर 125 रुपये एप्लीकेशन और मांग लिए, और अब मान लीजिए वो बंटन पर 50 रुपये मांग रहा है या 60 रुपये मांग रहा है या बाकी सारी बंटन पर मांग रहा है, तो बंटन पर जो मांगे जाने वाली जो राशि या किस्त होती है उसकी मांग भी उस बंटन पत्र के साथ ही कर दी जाती है। जब बंटन पत्र भेजा जाता है तो उसके साथ ही मांग ली जाती है कि भी आप जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट कर दीजिए। तो ये भी एक इसके अंतर्गत मांग की जाती है। और अंत में जब बंटन कार्य पूरा हो जाएगा तो कंपनी के रजिस्ट्रार कंपनी ऑफ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में सारी इंफॉर्मेशन कि भी कितने शेयर कैपिटल, कितने शेयर इश्यू किए गए हैं, कितने रुपए वाले, वो अंश पूंजी के बंटन से संबंधित समस्त विवरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 दिन के बदले उनकी निर्धारित फीस के साथ भेजना पड़ता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपनी को जो है वो कंपनी एक्ट के अनुसार काम करती है, तो जो कंपनीज एक्ट को काम के अनुसार काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही ये सब चीजें जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनके पास में जो है वो सूचना भेजनी पड़ती है कि भई ये इतने लाख रुपए की या इतने करोड़ रुपए की पूंजी इतने अंशों में विभाजित इसको बंटित किया गया है, तो वो सारा विवरण जो है बंटन संबंधी वो सब उसको भेजना पड़ता है। रिटर्न का जो अलॉटमेंट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं उसको, यानी आवंटन का विवरण वो उसको भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और बंटन संबंधी सारी सूचनाएं उसमें चली जाती हैं। तो ये सारी कार्रवाई जो होगी वो अलॉटमेंट से संबंधित हुई भाई, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट की सूचियां बनाना होता है, फिर अलॉटमेंट के बंटन पत्र तैयार करना होता है, खेत पत्र तैयार करना होता है, जिनको खेत पत्र दिया जाता है उनके पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं, और जो अगर और सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो एक समिति बनती है, वो समिति है वो उसका फॉर्मूला तय करती है सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार, और इसके बाद में अंत में 30 दिन के भीतर जो होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बंटन संबंधी समस्त सूचनाएं विवरण सहित भेज दिए जाते हैं। ये कार्रवाई हमारी बंटन संबंधी कार्रवाई हुई। यानी हमने ये इसमें क्या देखा कि भैया एप्लीकेशन बनी, सबसे पहले जैसे प्रवीण जारी हुआ, फिर आवेदन राशि प्राप्त हुई, उसके बाद में बंटन की कार्रवाई हुई, और अब इसमें बंटन की कार्रवाई होने के बाद में उस बंटन की कार्रवाई के साथ ही बंटन राशि भी मांग ली जाती है, और अब है अंशों पर मांग राशियां मांगना, मांग राशि प्राप्त करना यानी कॉल मनी प्राप्त करना। तो कभी जब किस्त में जब पेमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में कॉल मनी भी प्राप्त की जाती है, और कॉल मनी जो होगी वो एक्चुअल में जो है वो उसको किस्त में कह सकते हैं कि मनी आगे कितनी किस्तों में उसकी राशि जो है वो मांगी जाती है, जो बंटन के बाद वसूल की जाती है उसको हम कॉल कहते हैं। बंटन तक तो आवेदन राशि और बंटन राशि हुई, उसके बाद में जो किस्त मांगी जाती है उसको अपन कॉल मनी करते हैं यानी मांग राशियां कहते हैं। और ये जो मांग राशियां होती हैं
वास्तव में इनके बारे में भी कुछ प्रतिबंध लगाए हुए होते हैं कि भी जैसे मांग राशि है उसके अंदर भी कोई भी जो मांग होती है वो किसी भी कंपनी के निर्मूल मूल्य से 25% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं हो सकती। नंबर एक, कोई भी मांग जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये यानी कि आप मांग 50 रुपये की कर लें तो मांग राशि होगी वो 25 रुपये से ज्यादा नहीं, 25% से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट है कि दो जो मांग राशियां होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो काल मनी जब मांगी जाती है तो पेमेंट करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। तो ये इसके अलावा मांग जो होती है वो कंपनी के अधिकतम इंटरेस्ट में या अधिकतम हित में होनी चाहिए। और संचालकों को किसी भी तरीके की जो मांग के बारे में उसको निरस्त करने का अधिकार भी उनको होता है, मांगने का या उसको निरस्त करने का, ये सारा अधिकार जो होता है या स्थगित करने का जो है वो अद्वैत मांगों के ऊपर, जो जैसे मान लीजिए कोई कॉल सेंट पेड रहेगी तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है जैसे 10% वार्षिक दर से जो ब्याज लेने का जो है, या और कोई जो भी ब्याज की तरह अंतर्नियम में तय की जाए वो ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, ये सब जो नियम होते हैं काल मनी के बारे में वो अंतर्नियमों में वर्णित होते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत वर्णित होते हैं और अंतर्नियमों में इन प्रावधानों को जो है वो दिया हुआ होता है। इसलिए कंपनी जो होती है वो उस अंतर्नियमों के नियमों के अनुसार कार्रवाई करती है। और इसके अलावा जो है काल सीन अनपेड के अलावा काल सीन एडवांस भी हो सकता है। जैसे काल अनपेड होती है जो जो कोई मांग की जाती है और वो कोई व्यक्ति चुकाने में असमर्थ रहता है उसको काल सीन एरियर कहते हैं, उसके ऊपर कंपनी ब्याज वसूल करती है। साथ ही मान लीजिए जब कोई काल कंपनी करती है और उस काल के साथ अगर एडवांस मनी भी पेमेंट कर दी जाती है, कोई व्यक्ति होता है वो आगे की काल के लिए भी पैसे वो उस फर्स्ट काल के साथ ही दे देता है तो काल सीन एडवांस कहते हैं, उसके ऊपर कंपनी कुछ ब्याज देती है, उस पर कंपनी के द्वारा ब्याज देने का प्रावधान होता है। ये अंतर्नियमों में हो सकता है, अगर अंतर्नियमों नहीं है तो नहीं देंगे। कंपनी की अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, ये एक हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कंपनी की पूंजी जो होती है, कैपिटल होती है, वो कई नाम अपने आते हैं। जब हम कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार करते हैं उस स्थिति में जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उस बैलेंस शीट में भी कंपनी की जो पूंजी होती है उसके पूंजी की जो हेडिंग होता है शेयर कैपिटल, उस हेडिंग में भी उस पूंजी को शो किया जाता है कितने प्रकार की पूंजी होती है। इसको आपको थोड़ा बहुत आसानी से समझने की बात होती है कि ये इसमें तो जो एक स्लाइड डिफरेंस आता जाता है वो कैसे होता है। जैसे एक सबसे पहले नाम आता है ट्रेजरी कैपिटल। अधिकृत पूंजी एक वह पूंजी होती है जिस पूंजी को कंपनी को अपने जीवन काल में निर्मित करने का अधिकार होता है। अधिकृत का मतलब अधिकार होता है। ये राशि हम कैसे निकलते हैं, जब कंपनी अपनी पूंजी को ये कंपनी के पार्षद सीमा में यानी मेमोरेंडम एसोसिएशन में वर्णित होती है पूंजी, और ये पूंजी जब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तब उसको अधिकार लेती है, यानी कंपनी का जब पंजीयन होगा तभी वो पंजीयन के टाइम में ही वो इस बात का वर्णन हो जाएगा कि उसका कुल जो पूंजी है उसको जीवन काल में कितनी पूंजी उसको निर्मित करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करवाया कि भैया मैं जीवन काल में 10 करोड़ रुपए की कंपनी इश्यू कर सकेगी, तो ये उसकी अधिकृत पूंजी हुई। ये पूंजी जो जितने शेयर जो होंगे जीवन काल में उन शेयर को उसके अंकित मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी अधिकृत पूंजी आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में कंपनी के द्वारा जब कंपनी का पंजीयन करवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कंपनी का, और तब वो उसके बाद में इसकी जो पार्षद सीमा नियम में जो वर्णित राशि होती है वो, और इसे कंपनी के जीवन काल में निर्मित करने का अधिकार होता है। ये अधिकृत पूंजी भी। इसके बाद में आती है दूसरी बात इश्यूड कैपिटल, शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल निर्मित पूंजी क्या होती है, वो ये अधिकृत पूंजी का वो पार्ट होती है। क्योंकि अधिकृत पूंजी तो मैक्सिमम राशि भी, जैसे 10 करोड़ के लिए मान लीजिए 1 करोड़ शेयर 10 रुपये वाले, तो 1 करोड़ शेयर 10 रुपये अधिकृत पूंजी हुई 10 करोड़ रुपये। लेकिन मान लीजिए कंपनी अभी जो प्रविण जारी करके मान लीजिए उसमें से आधी कैपिटल ही जारी कर रही है, तो वो ऐसी स्थिति में मान लीजिए वो है वो 1 करोड़ की बजाय मतलब 50 लाख शेयर ही जारी कर रही है और 10 रुपये वाले, तो 5 करोड़ रुपये की शेयर कैपिटल जारी कर रही है, तो उसकी निर्गमित पूंजी हो गई 5 करोड़ रुपये, राइट, क्योंकि उसने 1 करोड़ की बजाय 50 लाख शेयर ही कंपनी पब्लिक में जारी करना चाहती है, तो वो उसकी निर्गमित पूंजी होगी, उसने जो प्रविण जिसके लिए जारी किया वो निर्गमित पूंजी उसकी 5 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद में तीसरी कैपिटल आती है, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं, यानी अभिदत्त पूंजी कहते हैं।
यह अभिव्यक्त पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो कि जनता के द्वारा विधान किया गया है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अगर पूरे आवेदन आ गए जनता से, तब तो निर्गमित पूंजी से ज्यादा तो पूंजी रख नहीं सकते, तो निर्गमित पूंजी और अधिवित पूंजी बराबर होगी। जैसे कंपनी ने 50 लाख अंशों के लिए अभिदान के लिए निमंत्रण दिया है 5 करोड़ के लिए, यदि एप्लीकेशन 5 करोड़ या इससे ज्यादा जाती है तो अभिदत्त पूंजी 5 करोड़ होगी। लेकिन यदि यदि एप्लीकेशन जो है वो मान लीजिए कम के लिए आती है थोड़ी, 90% और 100% के बीच में, तो जितनी एप्लीकेशन आती है वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, तो इसको हम अभिदत्त पूंजी इस मिलाकर के अभिदत्त पूंजी क्या होगी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कि जनता के द्वारा अभिदान किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, इसको प्रार्थित पूंजी का नाम भी देते हैं। इसके बाद में आती है मांगी गई पूंजी, इसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसने 50 लाख शेयर हैं, 50 लाख शेयर जारी किए, यदि पूरे के पूरे उसने 50 लाख शेयर जारी किए और उसके ऊपर 10 रुपये पूरे मांग लिए, तब तो मांगी गई पूंजी 5 करोड़ हो गई। लेकिन मान लीजिए उसने अभी तक जो मांगी गई राशि है वो मान लीजिए 5 रुपये के हिसाब से ही मांगा है, तो फिर 25 लाख हुई, या सॉरी 2.5 करोड़ हुई, 5 करोड़ 2.5 करोड़ हुई, अगर आधी राशि ही मांगी गई है तो 2.5 करोड़ हो गई। तो जो निर्गमित पूंजी हुई उतनी मान लीजिए अभिदत्त पूंजी हो गई, लेकिन अभिदत्त पूंजी के बाद में भी कॉल्ड अप कैपिटल एक्चुअल में जो है वो कौन सी होगी, जितनी पूंजी वास्तव में मांगी जाती है। जैसे शेयर्स की संख्या 50 लाख है लेकिन उन पर 5 रुपये मांगे गए हैं, तो 50 लाख × 5 यानी 2.5 करोड़ रुपये जो होगा वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद में आता है कि चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, तो पेड अप कैपिटल क्या होगी, कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो कि वास्तव में चुकाया गया है उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब देखिए अधिकृत पूंजी हुई, निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का एक भाग है, एक पार्ट है जो इश्यू किया गया है। इसके बाद में इश्यूड कैपिटल का वह भाग जो कि जनता के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। फिर सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कि पूंजी के रूप में मांगा गया है, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो वास्तव में चुकाया गया है वो पेड अप कैपिटल हो गई। अब कई बार क्या होता है कि इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप और पेड अप एक ही हो जाती हैं जब सारे पैसे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे अपने पे कहा कि उसने 5 रुपए के हिसाब से 50 लाख शेयर के ऊपर 2.5 करोड़ मांगे, अब उसमें से एक व्यक्ति जिसके पास में मान लीजिए 200 शेयर थे, तो उसने 5 रुपए के हिसाब से मान लीजिए उसमें से जो किस्तें थी उसमें से 1 रुपया नहीं दिया, टोटल मिलाकर 5 कॉल्ड अप है, उसमें से 4 रुपए उसने अब तक की कोई किस्त के दे दिए होंगे, 1 किस्त का नहीं दिया उसने, 200 शेयर है तो 200 रुपये हो गए, 200 रुपये उसके नहीं आए तो 200 रुपये हम माइनस कर देंगे यानी कार्ड सीन एरियर रह जाएंगे, तो वो बाकी राशि पेड अप कहलाएगी। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जितनी पूंजी के रूप में मांगी जाती है जिन शेयर के ऊपर जो सब्सक्राइब हुए हैं, उस पूंजी के रूप में मांगी गई जो राशि में से यदि कोई व्यक्ति अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है, जिसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, वो राशि कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करने के बाद में वो पेड अप कैपिटल कहलाती है। तो कई बार ये होता है कि जब हम लिखते हैं पूंजी को, तो जैसे ऑथराइज कैपिटल हमने लिखा, फिर हम लिखते हैं जैसे इश्यूड कैपिटल लिख दिया। अब ऑथराइज जैसे मान लीजिए कि अभी अपने देखा कि भी 10 लाख 10 रुपए वाले 10 लाख 1 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले हैं तो 10 करोड़ रुपए हो गए ऑथराइज। अब दूसरी बात इश्यूड कैपिटल हुई, तो इश्यूड कैपिटल मान लीजिए उसने 50 लाख शेयर है तो 10 रुपए वाले हुए, 5 करोड़ इश्यूड हो गई। अब यदि कॉल्ड अप कैपिटल है वो पूरी की पूरी 5 रुपए है तो 5 करोड़ ही उसके आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। इसके बाद में मान लीजिए सब्सक्राइब भी पूरे करते हैं तो वही सब्सक्राइब हो गई, और पेड भी पूरे हो जाते हैं तो वही पेड अप भी हो गई। तो फिर इश्यूड, कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप सब एक समान हो जाएंगी। और यदि कोई ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कोई कॉल सिनेरियर रहता है, तो फिर हम पेड अप कैपिटल जो होगी वो कॉल्ड अप कैपिटल होगी उसके अंदर अपन जोड़ के दिखाएंगे
कि भाई कार्ड अप तो 5 रुपया है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति इसके पास 200, 500, 1000 कितने रुपए उसने पेमेंट नहीं किए हैं वो कम कर दिए जाएंगे, तो वो एक्चुअल में पेड अप कैपिटल आ जाएगी और वही कैपिटल अपन मानेंगे। तो ये थोड़ा लिखने का तरीका होता है जो अपन पूंजी के बारे में अपने को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो कुछ स्थिति के अंदर एक और भी बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो कालसीन एरियर होते हैं, कालसीन एरियर जो होती है बकाया मांग होती है वो तो कोई किस्त नहीं दे पाते हैं और कुछ किस्त के साथ ही अगली किस्त का पेमेंट कर देते हैं, तो उसको कालसीन एडवांस की राशि कहते हैं। और अब इनका जो है वो चिट्ठे में जो निरूपण है वो किस तरीके से अपन करते हैं ये यहां पर पूंजी का जो निरूपण है चिट्ठे में कैसे करते हैं ये देखिए आप। ये आपके सामने नमूना है इस तरीके से कि भी शेयर होल्डर्स फंड अपन लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल इतने शेयर ₹100 ईच, इश्यूड फिर इतने शेयर ₹100 ईच, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इतने शेयर ₹100 ईच हो गया। तो इसमें से कितने कॉल्ड अप हैं, जैसे मान लो ₹5 के सबसे कॉल अप किया, उसमें से एक व्यक्ति था उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया तो कॉलसीन एरियर हो गया, तो बकाया पूंजी। और बाकी यदि फॉरफिटेड शेयर का कोई बैलेंस है तो वो इसमें, ये अपना आगे देखेंगे लेकिन ये दिखाने के लिए होता है केवल। यहाँ पर जो पूंजी का स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं तब ऐसी स्थिति में शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस जो होता है जिन अंशों का हरण कर लिया गया उनकी हरण किए गए अंशों का जो बैलेंस होता है फॉरफिटेड अकाउंट का वो इसमें ऐड करके दिखाते हैं पूंजी में, तो वो राशि यहाँ पर लिखी गई है। बाकी कालसीन एरियर मुख्य रूप से यहाँ पर अपने को लेस करके लिखना होता है। तो ये जो है वो बातें अपने को विशेष तौर से अपने को ध्यान में रखने की होती हैं। इसके बाद में देखिए ये सब चीज़ें अपने देखी कि भी किस तरीके से कंपनी के अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या होती है और उसके बाद में कंपनी की जो अंश पूंजी होती है वो किस प्रकार से दिखाते हैं, कंपनी के अंश कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये कुछ फंडामेंटल आधारभूत चीज़ें जो होती हैं वो अपने को कंपनी के संगठन के निर्गमन कंपनी पूंजी निर्गमन के संबंध में पता होनी चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में भी पता होना चाहिए, कंपनी अंश पूंजी के बारे में पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट को में इसको किस प्रकार से शो करते हैं। तो ये एक साधारण जो प्रक्रिया है वो अपने आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने देखी है। तो अपन आज अपने इतना ही करते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है उसको अपन ने समझ लिया है, आगे अपन नेक्स्ट है वो कल आगे इसका अगला जो पोर्शन है वो अपन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।